स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए युवाओं ने आज प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में युवा राजधानी के नीलम पार्क में इकट्ठा हुआ। ये लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लंबे वक्त से सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नहीं निकाले जाने से नाराज हैं। इन लोगों का आरोप है कि भर्तियां नहीं निकाले जाने की वजह से कई लोग ओवर एज होकर परीक्षा से ही बाहर हो रहे हैं। हम बेरोजगारों की मांग को लेकर आए हैं और ये हम पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये हम तो लाठीचार्ज कर रहे, देख लो आप ये तस्वीर देखिए, ये लाठीचार्ज कर रहे हमारे ऊपर। देखिए ये किस तरीके से झंडा है, झंडा लेकर ये तस्वीर देखिए चिंताजनक है। ये घूंसा मारते नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी। ये तस्वीर जिन्हें रोजगार चाहिए उन्हें लाठियां मिल रही हैं, भोपाल में घूसे मारे जा रहे हैं। तस्वीर देखिए, एक युवा के मुंह में पुलिसकर्मी ने घूसा मारा है, उसके मुंह में से देखिए खून निकल रहा है। तस्वीर देखिए, जिन युवाओं को रोजगार, ये डंडे मारे जा रहे हैं पुलिस के, जिन्हें रोजगार मिलना चाहिए सरकार, पुलिसकर्मी बर्बरता पूर्वक ऐसे मारा जाता है क्या? देखिए ये नौजवानों को जिनके हाथ में रोजगार होना चाहिए उनको डंडे मिल रहे हैं राजधानी में। इनका गुनाह क्या पढ़ना लिखना हो गया है? जिम्मेदारों से मिलने आए थे, प्रदेश भर के कोने कोने से आए थे, ये हम अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन जब ये पैदल चलते हुए नीलम पार्क से सीएम हाउस की तरफ बढ़े, ये देखिए वो तस्वीर देखिए, उस युवा को मारा गया। ये वो युवा है भाई साहब, आपके मुंह में से खून निकल रहा है। ये तमाम देखिए, ये वो पुलिसकर्मी है जो युवाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, और जब हमने बात करने की कोशिश की तो हमें भी रोका गया है। युवाओं को लाठी चार्ज करते हुए बर्बरता पुलिस की देखने को मिली है, जिनके हाथों में रोजगार होना चाहिए। यही वो देखिए, यही वो फ्लैग लेकर युवा यहाँ पर पहुँचे थे, जिनके हाथों में रोजगार होना चाहिए राजधानी भोपाल में, उन युवाओं को लाठी मिल रही है। पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें हमने दिखाई। बड़ी संख्या में जो युवा हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, अरेस्ट वाहन में उन्हें बिठाया गया है। ये देखिए, ये वो लाल परेड ग्राउंड है। यहाँ पर 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ था, उत्सव हुआ था, और देश के भविष्य नौजवानों को उसी ग्राउंड में इस तरीके से, एक तरीके से हम कहेंगे कट करे के रखा गया। ये पोस्टर देखिए, ये जो लंबित भर्तियां हैं 2021 की, उनको पूरा करने की मांग को लेकर पहुंचे थे। अलग अलग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये युवा, इनके भविष्य पर संकट है। तीन सालों से विभागों में देखिए भर्तियां नहीं हुई हैं, उसी की मांग को लेकर ये युवा देखिए जैसे तैसे अपनी जान बचा कर, ये कितनी बड़ी अपील है देखिए आप, पूरी ये बाउंड्री है, ये कूद कर उस तरफ पहुंचे हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि पुलिस लाठियां भांज रही थी इन पर, और वो अरेस्ट वाहन देखिए, अरेस्ट वाहन पुलिस युवाओं को उसमें भरकर यहां से रवाना हो गई है। जिन युवाओं को रोजगार देने का दावा तो किया जाता है, लेकिन उन्हें क्या मिल रही है ये तस्वीर देखिए। एक और तस्वीर देखिए, ये युवा भागते नजर आ रहे हैं, और किस कदर भाग रहे हैं, क्या गुनाह हो गया है मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार मांगना? ये देखिए पुलिस पीछे पड़ी है, ये पुलिस अपराधियों के पीछे नजर आती है अब तक, लेकिन अब ये पुलिस प्रदेश के लगातार बने हुए, जो कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो युवा हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरी की मांग इनके द्वारा, लेकिन वहां पर हालात क्या बने हुए हैं आप देखिए, पुलिस ने खदेड़ा है, कई युवाओं को हिरासत में लिया गया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये लोग सीएम हाउस की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी नीलम पार्क में यहां पर इन्हें रोक दिया गया, और वहां पर इस वक्त लाठियां भी भांजी गई है। कई सारे युवाओं को चोटें भी आई हैं, हाथों में पोस्टर्स लेकर, हाथों में बैनर्स लेकर ये लोग वहां पर पहुंचे, और देखिए वो तिरंगा लेकर भी यहां पर ये लोग पहुंचे हैं। युवाओं की बात होती है, लेकिन आज जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, और इनका ये कहना है कि ये जो मूवमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ है, वो बेरोजगारी के खिलाफ है। आप हमें नौकरी दीजिए, और जो भी लंबित भर्तियां हैं उसको फौरन आप
उसको भरे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कई सारे ऐसे युवा हैं जिनका एज निकलते जा रहा है, ओवर एज हो रहे हैं, और इसी वजह से उनका ये कहना है, उनकी ये दलील है, उनके ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि हम परीक्षा में बैठ भी नहीं पाएंगे, ऐसे हालात में हम क्या करें। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर, इन्हीं तमाम परेशानियों को लेकर ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बीच में इन्हें रोका गया और इसके बाद हालात क्या बने आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए जो कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको लगातार दिखा रहा है। प्रदर्शनकारी युवाओं की पुलिस से झड़प हुई है और सेम हाउस का घेराव करने के लिए ये लोग जा रहे थे, हाथों में तख्तियां लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे थे। काफी नाराजगी है, 3 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा वक्त हो गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला इसको लेकर भी इनकी नाराजगी है, इनको लेकर भी इनके और से तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और गुस्सा जो कि लगातार इन प्रदर्शनकारियों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और नौबत एक वक्त पर ऐसी भी आ गई जब आमने सामने ये प्रदर्शनकारी युवा और पुलिसकर्मी हो गए और वहां पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी वहां पर किया गया है। वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वहां पर जो युवा थे उनमें से कई को इसमें चोटें भी आई हैं, झूमा झटकी भी यहां पर हुई है। देखिए किस तरीके से हाथों में ये पोस्टर्स लेकर वहां पर पहुंचे हैं और इनकी मांग है कि तमाम जो लंबित भर्ती हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए और इसी को लेकर लगातार ये लोग विरोध जाहिर कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की उम्मीद लिए ये युवा लगातार अपनी बातों को रखते हुए, लगातार अपनी मांगों को अलग अलग मंच से उठाते हुए ये लोग नजर आए, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चिंताओं को और भी ज्यादा गहरा देती हैं। देखिए किस तरीके से इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है और सिर्फ चाहते हैं कि इन्हें रोजगार मिल सके, जो नौकरी की उम्मीद है वो उम्मीद साकार हो सके। और इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होगा यहां से ये क्या कुछ कदम उठाया जाता है, क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो नाराजगी है, ये जो तस्वीर आज भोपाल सड़कों की आप देख पा रहे हैं वो बहुत ज्यादा चिंताओं को जन्म देती है और इसके अलावा गंभीर सवालों को भी जन्म देती है। ये युवा जो कि बेहद ज्यादा परेशान हैं, नौकरी की आस लिए ये लोग बैठे हैं, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से अभी तक वो तमाम जो पद हैं, जो लंबित भर्तियां हैं वो यहां पर पूरी नहीं हो सकी। इसी वजह से इनका गुस्सा, इनका आक्रोश आज इस तरीके से फूटा कि ये लोग सड़कों पर निकले और एक ही मांग कि इन्हें रोजगार मिले, इन्हें अवसर मिले और लंबित भर्तियां पूरी की जाए, इसी को लेकर ये लोग यहां पर विरोध जाहिर कर रहे हैं। ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रमोद भी लगातार आपको उन तस्वीरों को भी दिखा रहे थे और इसके साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स वहां पर मौजूद थे उनसे कुछ से हमने बात करने की कोशिश भी की। उनका यही कहना है, उनके आपको शब्दों में वो नाराजगी भी देखने को मिलेगी, वो गुस्सा भी देखने को मिलेगा जो कि इस वक्त इन तमाम युवाओं के भीतर है।